वार्ड नंबर 4 से भाजपा के प्रत्याशी दीप कुमार बजाज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने के बाद दीप कुमार बजाज ने कहा कि जब से नगर परिषद बनी है भाजपा की पार्टी ही इस पर काबिज रही है। उन्होंने कहा कि 1986 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और 1 बार उपाध्यक्ष के पद पर लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों के लोग भली भांति जानते हैं और इसलिए वार्ड नंबर 4 से चुनाव मैदान में उतरे हैं। दीप कुमार बजाज ने अपनी जीत के लिए दावा किया है। जहां तक एजेंडे की बात है, हमीरपुर में नगर परिषद जब से कार्य रूप में आई है तब से ये भारतीय जनता पार्टी की ही नगर परिषद रही है। आज तक जो भी कार्य नगर परिषद हमीरपुर शहर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद द्वारा ही हुआ है, क्योंकि दूसरी पार्टी की नगर परिषद यहाँ कभी आई नहीं। उसी तरीके से जो नगर परिषद के कार्य होते हैं वो कार्य हमने बड़े जोर शोर से करवाए हैं और सभी कार्य पूर्ण रूप से वो पूर्ण हुए हैं। अब जो 5 वर्ष में नगर परिषद का कार्य होता है वो इसमें किया जाएगा। हमारे नगर परिषद में जितने भी विकास के कार्य हैं उसमें अब जमीन की जो है वो कमी है। कोई भी विकास कार्य होगा जमीन पे होगा, जमीन नगर परिषद के पास कोई है नहीं। इसमें सबसे बड़ा कार्य जो है वो नगर परिषद में 10 वार्डों में 10 नालों का है। गंदे नाले हैं, पोल्यूशन फैलता है उनसे, इधर उधर की जमीन जो वो गिरती है, जमीन का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नगर परिषद में 10 बड़े नाले हैं उन नालों को तटीकरण करके उसके ऊपर छोटी उसमें लेंटर डाल के छोटी सड़क बनाई जाए जिससे टू व्हीलर और छोटी गाड़ियों की पार्किंग भी बन सके और दूसरा अपना चलने फिरने के लिए लोगों को रास्ते बन सके। उससे शहर की काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो होगी। दूसरा, शहर की कुछ पानी की नालियाँ हैं तो पहले कम पानी की वजह से छोटी थी, अब वो पानी कई जगह बिखरता है छोटी नालियों की वजह से। वो उसका जल्दी से जल्दी करेंगे कि नालियाँ छोटी से बड़ी करके गलियों में पानी ना जाए, वो नालियों में ही बहे। ये मेरे हिसाब से 2 चीज़ों की प्राथमिकता रहेगी कि ये काम जो है वो नगर परिषद सबसे पहले करवाए और हम यही काम सबसे पहले नाले का बंदीकरण और नालियों में पानी ना जाए इसको प्राथमिकता देंगे। 1986 से लगातार 6 बार इलेक्शन लड़ाए नगर परिषद का और मैं 6 बार जीता हूँ। 6 बार में 4 बार मैंने वार्ड नंबर 2 में इलेक्शन लड़ाए, 1 बार मैंने वार्ड नंबर 6 में इलेक्शन लड़ाए और 1 बार मैंने 11 वार्डों में इकट्ठा इलेक्शन लड़ाए। तो मुझे इसमें कोई भिन्नता नहीं लगती है। 11 वार्डों की एक ही बात है, चाहे 1 वार्ड हो चाहे नंबर 11 हो, सभी में एक जैसे कार्य होते हैं। और इतने लंबे अरसे से मुझे 11 वार्डों के सभी लोग जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब इलेक्शन आता है उसमें कैंडिडेट 2, 3, 4, 6, 7 इसका होना स्वाभाविक होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हर वक्त ऐसा ही होता है और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है वो हो जाता है। मैं सुनिश्चित हूँ, इसमें कोई रत्ती भर भी शंका नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 94 वार्ड से इलेक्शन के लिए उतारा है, तो पहले भी 1 बार 11 वार्ड में जब इलेक्शन लड़ा था तो मैं 94 वार्ड में तब भी मैं जीता था। इस बार भी मैं 94 वार्ड में जीतूंगा